नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर पाकुड़ में पकड़े गए 5 साइबर अपराधियों से संबंधित है। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के बलियादानगा निवासी शकील आलम उर्फ गुड्डू के मकान में चल रहे साइबर ठग गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी हरदीप पी जनार्दनन ने अपने कार्यालय कक्ष में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी ने कहा कि शकील के घर को भाड़ा में लेकर साइबर ठग गिरोह का संचालन करता था। देवघर व जामताड़ा पुलिस की दबिश बढ़ने के बाद साइबर अपराधी अपना सुरक्षित स्थल खोजकर इस गिरोह का संचालन करते हैं। साइबर ठग पाकुड़ में भाड़े का मकान लेकर आधार लेख, केआईसी आदि के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते थे। पुलिस ने छापेमारी कर गिरिडीह जिला के गांडेय थाना क्षेत्र के चरकमारा निवासी दिलीप कुमार दास, भेरेनमुंडा निवासी चंदन कुमार वर्मा, देवघर जिले के मार्गोमुंडा निवासी गौरव तिवारी, पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के तांतीपाड़ा निवासी पवन कुमार व महेशपुर थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक निवासी मकान मालिक शकील आलम को गिरफ्तार किया है। अन्य 3 अभियुक्त फरार है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। फरार अभियुक्त में एक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है, इससे पूर्व भी वह कई बार जेल जा चुका है। पुलिस ने छापेमारी के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्तों के पास विभिन्न कंपनियों के 59 मोबाइल, एप्पल का आईफोन 5, पीसी एयरटेल का वाईफाई राउटर, 17,500 रुपये नकद, एक दर्जन विभिन्न कंपनी का मोबाइल चार्जर, विभिन्न कंपनी का 11 एटीएम, पिला जैसा धातु का एक चेन, 2 बाइक, 82 पीस अलग अलग कंपनी का सिम, एक्सिस बैंक का चेकबुक को बरामद किया है। गिरफ्तार सभी युवकों का उम्र 23-24 के बीच है। पढ़ाई के नाम पर कमरा भाड़े में लेकर इस गिरोह का संचालन करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ अजित कुमार विमल, प्रशिक्षु डीएसपी अजय आर्यन, नगर थाना के एसआई शुभम कुमार सहित अन्य मौजूद थे। इस संबंध में पाकुड़ के एसपी में और क्या बताया क्या है पूरा मामला, चलिए उन्हीं से जानते हैं। रिपोर्ट चंदन कुमार रक्षित, पाकुड़ झारखंड। कार्रवाई करते हुए जब वहाँ पर छापामेरी के लिए गया तो पुलिस को देखते हुए कुछ लोग छत से कूद के भागने लगा, तो उसमें से कुछ लोगों को पुलिस वाला दौड़ा के पकड़ा। टोटल 5 आदमी का गिरफ्तारी हम लोग किया है, उसमें से 3 आदमी, 2 आदमी गिरिडीह का रहने वाला है, 1 देवघर का है और 2 लोकल का है। अब जब हम लोग घर का तलाशी लिया, घर से हम लोगों को टोटल 59 मोबाइल्स मिला और उसके साथ 82 करीब सिम मिला और कुछ 11 एटीएम मिला अलग अलग बैंक का, और वाईफाई का राउटर सब मिल गया। तो इन लोगों का जब फ़ोन हम लोग चेक किया तो फ़ोन में साइबर क्राइम करने का सबूत भी हम लोगों को मिला। तो इन लोग अपना कन्फेशन में भी बता दिया, ये लोग कैसे कैसे यहाँ बैठ के साइबर क्राइम का काम करते थे। और जो 3 लड़का भागा हुआ है उन लोगों को पकड़ने के लिए भी हम लोग अभी टीम का गठन करते हुए छापामारी कर रहा है। तो हम लोगों का यही कोशिश है कि ये लोग जितना जल्दी हो हमारा पकड़ में आ जाए।